हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैंने एक यहाँ पर जो वेबसाइट बनाई हुई है, ये बहुत ही शानदार वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको इफेक्ट मिल रहा है कि जैसे अगर मैं लेफ़्ट साइड में करता हूँ तो हमारे जो ये कर्सर है वो स्क्रॉल हो जाता है, राइट में जाता हूँ तो लेफ़्ट में स्क्रॉल होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, जैसे कि आप कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाएंगे तो शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए ये हमने बनाया हुआ है। जैसे कि आप इधर कोई भी दो प्रोडक्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लेफ़्ट में जाऊँगा तो वो लेफ़्ट वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी, राइट में जाऊँगा तो राइट वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ये इफेक्ट कैसे लगाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल है HTML CSS और यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल है JavaScript। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर, अभी देखिए JavaScript की हमने ट्यूटोरियल से स्टार्ट नहीं की हुई, लेकिन इसमें कोई जावा बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं है, वो थोड़ा सा ही है, तो मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर HTML की। तो HTML में हमने सिंपल यहाँ पर जो क्लास, यहाँ पर हमने केवल बाई नाउ और यहाँ पर सैमसंग सीरीज एक्स और यहाँ पर बाई नाउ ये चीज़ और यहाँ पर सोनी 5, चार चीज़ें जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पर दी हुई, जैसे ये सोनी 5 और बाई नाउ और सैमसंग सीरीज एक्स और यहाँ पर बाई नाउ, यानी कि दो बार बाई नाउ और ये दोनों यहाँ पर, जो सोनी एक बार और यहाँ पर सैमसंग, ये दो चीज़ें। तो एक को हमने H1 में रखा हुआ है और दूसरे को हमने H1 में भी रखा हुआ है दोनों को, और सेम हमने यहाँ पर लिंक लगा करके यहाँ पर बाई नाउ यहाँ पर बटन यहाँ पर कर दी है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा HTML का होता है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, लिंक REL स्टाइल सीट HREFP.css, यानी कि ये हमारे यहाँ पर CSS का पार्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक DIV लिया और DIV में क्लास हमने कंटेनर दी, ये पूरे पेज में हमारा DIV अप्लाई रहेगा, यानी कि सोनी 5 और बाई नाउ और यहाँ पर सैमसंग सीरीज एक्स और बाई नाउ, यहाँ पर ये हमारा DIV यहाँ पर पूरे में यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर DIV क्लास और ये वाला जो दूसरा क्लास है, यानी कि स्प्लिट लेफ्ट वाली चीज़ जो है वो सोनी 5 यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर DIV क्लास स्प्लिट राइट है यहाँ पर क्या है, सैमसंग सीरीज एक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो एक हमारा हो गया यहाँ पर सोनी 5 में एक क्लास DIV अप्लाई हुआ अलग से, और यहाँ पर सैमसंग सीरीज में यहाँ पर एक अलग से DIV अप्लाई हुआ। तो ये हमारा जो है DIV यहाँ पर ये अप्लाई हुआ, एक बार देखिए, लेफ्ट वाला हमारा सोनी 5 में है और यहाँ पर हमारा जो राइट वाली क्लास है वो राइट हमारी सैमसंग सीरीज एक्स में। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने जो इसकी हमारी CSS वाली फाइल है, तो CSS वाली फाइल में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये तो हमने रूट बना करके यहाँ पर लेफ़्ट बीजी कलर और यहाँ पर राइट बीजी कलर, ये बटन ओवर कलर, ये हमने यहाँ पर लेफ़्ट राइट यहाँ पर ये सभी यहाँ पर कलर हमने रख लिए हुए। यहाँ से इसको मैं भी हटा देता हूँ, इसका कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ चुका है, ये हमने यहाँ पर कलर दे दिया हुआ है, लेफ़्ट बीजी कलर राइट बीजी कलर ये हमने कर दिया। इसके बाद बॉक्स साइजिंग हमने क्या कर दी, यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स कर दिया हुआ है। अब बॉडी के लिए हमने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बॉडी के लिए हमने पूरी जो बॉडी में अप्लाई होगा, तो फ़ॉन्ट फैमिली मल्टी और यहाँ पर कुल मिला करके हाइट हमने 100 VH कर दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, मार्जिन लेफ्ट कर दिया और सॉरी मार्जिन 0 कर दिया। तो ये हमारा पूरा हो गया बॉडी में, बॉडी यानी कि ये हमारा जो पूरा पेज है वो पूरे पेज के लिए अप्लाई हो जाता है बॉडी। अब ठीक, इसके बाद आइए नीचे चलते हैं। तो H1 के लिए अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा H1 हो गया। तो H1 में हमें देखिए, फॉन्ट साइज 4 REM, कलर हमने यहाँ पर कोड लिख दिया हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट में हमने 50% कर दिया, टॉप 20 कर दिया, ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पर कर दिया, ट्रांसलेट एक्स 50 डिक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पर वाइट स्पेस यहाँ पर नाउ रैप कर दिया, और .btn यानी कि जो .btn के नाम से क्लास है, कहाँ पर जो हमने अप्लाई की हुई है, ये .btn के नाम से ये वाली जो क्लास है हमारी, ये वाली क्लास, ये यहाँ पर दो हमने क्लास अप्लाई की है। तो .btn में हमने क्या दिया हुआ है, .btn में मैं आपको दिखा देता हूँ, .btn यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेफ्ट 50%, टॉप 40%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स यहाँ पर 50 डिक्रीमेंट किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, कलर यहाँ पर हमने दे दिया इसका कलर कोड, बॉर्डर हमने यहाँ पर दे दिया, बॉर्डर में हमने कलर दे दिया सॉलिड 0.2 REM, फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर 1 REM, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और विड्थ हमने यहाँ पर 15 REM और यहाँ पर पैडिंग हमने 1.5 कर दी हुई है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये .btn की ये क्लास बन चुकी है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आप अपने से यहाँ पर कोड में लिखिएगा, ज़्यादा आपको समझ में आता चला जाएगा। फिर स्प्लिट डॉट लेफ्ट डॉट बटन और ओवर, ये हमने कॉमन ये क्लास बना दी हुई है, स्प्लिट लेफ्ट और बटन साथ में, तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर रख दिया हुआ है और यहाँ पर बॉर्डर कलर दिया हुआ है। फिर सेम वही चीज़ें स्प्लिट राइट के लिए हमने बना दी है। अब हमने जो कंटेनर
कंटेनर जो क्लास यहाँ पर बनाई हुई है, तो अब कंटेनर क्लास की स्टाइल यहाँ पर देखिए, कंटेनर क्लास हमने कहाँ पर दी हुई, ये देखिए हमारे डी ए वाला डी आई बी, यानी कंटेनर हमारा पूरे पेज में अप्लाई हो रहा है। सोनी फाइव बाई नाउ और एम सी रिजेक्ट और बटन यहाँ पर पूरे में ये हमारा अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारी कंटेनर क्लास ये है, पोजिशन रिलेटिव विथ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर इसको हमने कोड दे दिया। ठीक डॉट स्प्लिट के नाम से जो क्लास हमने बनाई, तो यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट विथ 50% और हाइट 100% और ओवरफ्लो हिडन, तो ये हमारी स्प्लिट वाली क्लास हो गई। तो अब इसके बाद यहाँ पर अब स्प्लिट लेफ्ट और स्प्लिट राइट के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पर स्प्लिट क्लास हमने अप्लाई नहीं की, लेकिन स्प्लिट लेफ्ट और स्प्लिट लेफ्ट बिफोर ये आपको और स्प्लिट राइट ये अब समझने वाली बात यहाँ पर ये चार चीज़ें यहाँ पर देखिए, स्प्लिट लेफ्ट, स्प्लिट लेफ्ट बिफोर पहले, और यानी कि स्प्लिट राइट और फिर स्प्लिट राइट बिफोर, इन सभी चीज़ों में स्प्लिट राइट लेफ्ट जीरो, बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पर दिया इसका, और इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, ये आपको इमेज दिख रही है कैमरा की, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये जो आउटपुट की तरफ मैं चलता हूँ, जो कैमरे वाली इमेज है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए कैमरे वाली इमेज है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो वो इमेज है हमारा, चलता हूँ फिर सीसेस की तरफ, स्प्लिट राइट यहाँ पर सॉरी स्प्लिट लेफ्ट बिफोर में चलता हूँ, यहाँ पर कंटेंट हमने ब्लैंक कर दिया है, और पोजीशन एब्सोल्यूट विथ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर वेरिएबल, और यहाँ पर वायर हमने कर दिया शॉर्ट में, और यहाँ पर लेफ्ट बीजी कलर यहाँ पर कर दिया। फिर सेम वही तरह जो चीज़ें हमने स्प्लिट लेफ्ट के लिए यहाँ पर किया हुआ है, सेम वही चीज़ें हम स्प्लिट राइट के लिए करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर स्टाइल डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर अलग ही रखा हुआ, क्योंकि हमें तो यहाँ पर इमेज भी चेंज करनी है। तो स्प्लिट राइट के लिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज और कलर वगैरह ये सभी चीज़ें आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हमने इसका किया हुआ है। फिर डॉट स्प्लिट राइट, डॉट स्प्लिट लेफ्ट और स्प्लिट डॉट राइट और बिफोर, स्प्लिट डॉट लेफ्ट बिफोर, और यहाँ पर हमने ट्रांजिशन कर दिया हुआ है आल वेयर स्पीड केस इन आउट। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। अब ओवर लेफ्ट और ओवर लेफ्ट राइट, और यहाँ पर है ओवर लेफ्ट राइट, ये ये हमने जो आपको उधर आपको जैसे कि मतलब मैं जब लेफ्ट में जाता हूँ राइट में जा रहा है, वो राइट में जाता हूँ लेफ्ट में जा रहा है, तो इसके लिए आवर लेफ्ट लेफ्ट विड्थ, और यहाँ पर ये आपको ये प्रॉपर्टी और इनको आप देखिए, मैं इस अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ का अलग से मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल आप अभी इनको समझने के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती हैं, और इसके बाद यहाँ तक आप ले लीजिए। फिर आप जब करेंगे कोड तो आप जब लाइन बाई लाइन लिखते चले जाएंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती चली जाएंगी। तो लाइन बाय लाइन आप यहां पर चेक कीजिए, फिर मैक्स विड्थ 30%, H1 के लिए फ्रंट साइज 2 RM दे दिया, और यहां पर बटन के लिए पैडिंग दे दिया, विड्थ दे दिया, और यहां से हमारा यहां ख़त्म हो जाता है CSS वाला पूरा पार्ट। अभी आपको केवल ये अगर मैं यहां से देखिए जो ये जावास्क्रिप्ट वाला है, मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं, मैं कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी, और अभी मैं इसको हटा दूंगा यहां से, आप देखिएगा वहां पर क्या डिफरेंस आता है। अभी तो हमारा ठीक चल रहा है यहां पर, देखिए अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा फिर देखिए क्या चेंज आएगा। तो ये अब देखिए हमारा यहाँ से एनिमेशन हट चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने तो केवल अभी स्टाइल अप्लाई की है। देखिए अब ये हमारा स्टाइल वाली चीज़ें हैं जो कि हमने HTML और CSS का यूज़ करके यहाँ पर बनाया हुआ है, तो हमारा अभी केवल स्टाइल है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करूँगा तो अब देखिए क्या होगा। अब हमारा वहाँ पर जैसे मैं वापस से इसको सेव करूँगा, अब इसको मैं सेव करता हूँ वापस से, देखिए ये अभी सॉरी वहाँ पर हमने सेव नहीं किया हुआ, तो मैं पहले वहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, फिर यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाऊंगा। ये हमने कंट्रोलर से सेव कर दिया, और अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा फिर से ये वर्क करने लगा। तो लेफ़्ट में जाता हूँ लेफ़्ट वाली चीज़ बड़ी होती है, राइट में जाता हूँ राइट वाली चीज़ हमारी बड़ी होती है। तो ये सभी चीज़ें ऐड हो गई। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि अभी तो हमारा बन गया, अब ये कैसे परफॉर्म करेगा, तो इसके लिए हमें केवल अभी जावास्क्रिप्ट p.html p.css p.javascript, तो यहाँ पर हमने अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये HTML का है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट सॉरी CSS का है, तो मैं इसको स्टार्टिंग से कर देता हूँ। यहाँ से हमारा स्टार्ट है, यहाँ से आप यहाँ तक ले लीजिए H1 तक, फिर आप यहाँ पर डॉट बटन वाली क्लास जो है यहाँ से आप एक बार ले लीजिए, यहाँ से आप ले लीजिए यहाँ पर कंटेनर तक, फिर यहाँ पर कंटेनर के बाद आप यहाँ पर ले लीजिए, फिर स्प्लिट डॉट राइट ले लीजिए, इस तरह से आप यहाँ पर ये CSS वाला पार्ट भी पूरा ले लीजिए। अब बात आती है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में देखिए हमें क्या करना है, कॉन्स्ट लेफ्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और स्प्लिट लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट के लिए, और सेम यही चीज़ें हम जब राइट के लिए करेंगे तो कॉन्स्ट राइट डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पर हमने कर लेना है यहाँ पर स्प्लिट डॉट राइट, तो हमारा ये हो गया राइट के लिए।
और हमारा कॉन्स्ट कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और ये हमारा कंटेनर के लिए। तो तीन चीज़ें यहाँ पर हुई। अब इसके बाद लेफ्ट ऐड इवेंट, अब हमें इवेंट के लिए क्या करना होता है कि हम लिखेंगे लेफ्ट ऐड इवेंट और यहाँ पर लिसनर, फिर यहाँ पर माउस सेंटर और यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी है। देखिए लेफ्ट इवेंट ये कंटेनर क्लास लिफ्ट क्लास लिस्ट ऐड और यहाँ पर ओवर लेफ्ट। तो इस तरह से सेम जो चीज़ें हमने यहाँ पर लेफ्ट के लिए दिया तो ये हमारा ऐड के लिए हुआ है और ये हमारा एक बार रिमूव के लिए होगा। जैसे कि मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट में ले गया तो हमारा पहले तो ऐड करेगा बड़ा होगा, और अगर मैं उसको राइट साइड में ले जाता हूँ तो वो क्या कर देगा रिमूव कर देगा, वो हमारा फिर चला जाएगा दूसरे वाले में राइट में चला जाएगा, लेफ्ट को रिमूव करेगा। तो ये हमारा लेफ्ट के लिए ऐड के लिए एक हुआ और एक ये हमारा ये हुआ रिमूव के लिए इवेंट। अब सेम यही इवेंट राइट में जा जाएगा तो राइट के लिए हमें ऐड इवेंट बना देना यही चीज़ें, और यहाँ पर सेम हमें राइट के लिए ये हमें रिमूव इवेंट बना देना। तो इस तरह से ये कोड लिखना केवल बस इतना ही शेष है। तो हमें राइट में जब जाएगा तो राइट के लिए ऐड रिमूव बनाना है और लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट के लिए ऐड और रिमूव बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखने के बाद HTML और CSS और यहाँ पर JavaScript लिखने के बाद आप इस तरह से शानदार रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, HTML CSS का हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट तो पहले दिखा दिया। तो यहाँ पर इस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक आपने सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।